तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका टेक जोन सलमान 04 में। तो गाइस आज की जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी टॉपिक बताने वाले हैं जो कि बहुत यूज़फुल और जो भी गेमिंग करता है या वीडियो एडिटिंग करता है उसके लिए बहुत बेस्ट वीडियो हो जाएंगी। तो अंडर बजट में हम आपको 3000 के अंदर आपको ज़ेब्रोनिक का 2GB का ग्राफिक्स कार्ड बताने वाले, जो कि बहुत अच्छा और बहुत तगड़ा है। तो इसकी स्पीड वगैरह की बात करेंगे हम, इसके अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, कैसे बुक करते हैं, सब भी इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। अगर बुक करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक देंगे हम, और उसके बाद में इसको इंस्टॉलेशन भी करके बताएंगे, ड्राइवर वगैरह सब। तो पहले तो इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, देखते हैं क्या क्या मिलता है अपने को इसके अंदर। तो गाइस ये जो है हमारा वो है ज़ेब्रोनिक के तरफ से आता है हमारा, देख सकते हो आप, ज़ेब्रोनिक का GTX 610 ग्राफिक्स कार्ड है जो कि 2GB का है। और इसकी बात करें तो इसके अंदर आपको कुछ इस पे प्राइस मिल जाती है आपको 8999, लेकिन ये मिलता है आपको कुछ 2500-3000 के लगभग में। तो गाइस ये जो है, तो इसकी अनबॉक्सिंग करके बता देते हैं आपको पहले। तो गाइस सबसे पहले आपको बात करें तो ये हम इसका सील हटा लेते हैं, यहाँ से इसका सील हटा लेते हैं, यहाँ से जैसे हम इसका सील ओपन करेंगे, देख सकते हो हम इसका सील ओपन करेंगे और इसके अंदर हम आपको इंस्टॉलेशन भी करके बताने वाले। तो पहले हम इसका सील ओपन कर लेते हैं अच्छे से। तो गाइस हमने इसका सील ओपन कर लिया और अब हम इधर से इसको ओपन करेंगे। तो आप देख सकते हो, तो ये जैसे ओपन करें हमने तो ये ग्राफिक्स कार्ड हमारा इधर से ओपन होने वाला है। आप देख सकते हो ये जो ग्राफिक्स कार्ड है हमारा, हम आप बाहर निकालेंगे तो देख सकते हो कुछ ऐसी पन्नी में पैक वगैरह मिलता है आपको ग्राफिक्स कार्ड आपका। देख सकते हो आप, ये आपका ग्राफिक्स कार्ड है। तो यहाँ पे आप कुछ वार्निंग वगैरह टेंशन वगैरह मिल जाती है। पहले तो एक ग्राफिक्स कार्ड मिलता है आपको, फिर उसके साथ आपको एक सीडी मिल जाती है जो कि ड्राइवर की सीडी है, ये देख सकते हो, ये सीडी भी मिल जाती है आपको। और उसके बाद में दो क्लिपर मिल जाते हैं आपको, ये ऐसे दो क्लिपर मिल जाते हैं आपको, बस इतना कुछ ही मिलता है हमको इसके अंदर, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं मिलता है। ओके, तो ये बजट में बात करें तो बहुत ही अच्छा ग्राफिक्स कार्ड है, इसकी बिल्ड क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। तो हमको तो सीडी की ज़रूरत ही नहीं पड़नी है, क्योंकि हम तो ऑनलाइन ड्राइवर इंस्टॉल करेंगे। तो आपको आप ग्राफिक्स कार्ड हम ओपन करके बता देते हैं और इसकी कुछ डिटेल्स बता देते हैं कि आप इसे कैसे यूज़ कर सकते हो। तो ये देख सकते हो गाइस, ये किस ग्राफिक्स कार्ड है। तो गाइस ये सपोर्टेड है DDR3 PCI स्लॉट PCI एक्सप्रेस में, जो कि DDR3 का मदरबोर्ड में सपोर्ट भी करता है, DDR4 में भी सपोर्ट करता है, लेकिन ये जो है तो अच्छे से DDR4 में करता है। ये GTX इसकी 2GB DDR3 का मिल जाता है, और अपने को 2GB DDR3 मिल जाता है इसके अंदर। और इसकी बात करें कुछ बिल्ड क्वालिटी की, तो इसमें आपको पोर्ट वगैरह मिल जाते हैं, HDMI DVI और VGA, तीन पोर्ट मिलते हैं आपको। देख सकते हो ये तीन पोर्ट है, ये VGA, ये HDMI और ये DVI पोर्ट है। तो आप इसमें तीनों में से डिस्प्ले ले सकते हो जो आपके सिस्टम में हो। और इसकी CPU की फ़ैन की बात करें तो इसका CPU का फ़ैन जो है तो वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी का लगे वाला है, हाई एक्सेलेंट परफॉर्मेंस है। और इसकी डिस्प्ले की क्वालिटी की बात करें तो वो भी बहुत अच्छी आती है। और ये जो है तो OpenGL 4.2 है और मैक्सिमम सपोर्टेड रेजोल्यूशन है इसकी 2560 से 1600। और इसकी फ्रिक्वेंसी की बात करें तो फ्रिक्वेंसी इसकी 24 GHz, तो ये बहुत मिल जाता है। इसका मॉडल नंबर तो आप देख सकते हैं, ज़ेब्रोनिक GTX 610 है, और इस 2GB मिलता है DDR3। और इसके ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्टेड बाय करें तो 64-bit का सपोर्टेड लगता है इसके। और इसकी जो HDMI DVI पोर्ट मिल जाते हैं आपको, और मेमोरी कार्ड इसकी 1600 MHz की मेमोरी कार्ड है इसके अंदर, PCI IC लगे वाली, और PCI Express X8 2.0 का लगता है इसको, यानी जिसमें 2.0 का PCI स्लॉट है उसके अंदर एक कंफर्टेबली बैठ जाएगा। और उसके बाद में इसकी पोर्ट की बात करें तो ये 30 OT का है, और इसमें विंडोज़ 11, विंडोज़ 10, विंडोज़ 7 सब में सपोर्टेड करता है। इसकी वेट की बात करें तो ये अपने क्या बोलते हैं 154 ग्राम का है, बहुत यानी बेस्ट मिल जाता है ये आपको इस बजट के अंदर।
तो अब हमारा जो सेकंड पार्ट आता है वो आता है हमारा इंस्टॉलेशन करना। तो हम करेंगे अब इंस्टॉलेशन। तो गाइस ये है हमारा सीपीयू जिसके हम ग्राफिक्स कार्ड लगाने वाले। तो गाइस पहले तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ और आप देख सकते हो कि मैंने जैसे ही ओपन किया इसको तो इसके अंदर कुछ ऐसा इंटरफेस दिखता है मेरे को। ओके, तो ये सीपीयू को आप सिंपली लगाएंगे कहाँ पर आपको वो बता देता हूँ मैं। ओके, तो आपको सिंपली ये इसके अंदर लगाना है। ये पीसीएफ स्लॉट दिख रहा है आपको ब्लैक कलर का, तो इसके अंदर आपको ये लगा लेना है। देख सकते हो आप कैसा लगाएंगे, तो ये ऐसा लगाना है आपको। इसको पहले ओपन कर लेना है आपको। ओपन करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखने वाला है, तो आपको ये जो पट्टी है तो ये खोलना पड़ेगी। ओके, तो ये पट्टी खोलना है आपको और इसको इसके अंदर लगाना है, इसके अंदर लगाना है। ओके, जैसे आप लगाएंगे तो ये इसके अंदर फिट हो जाएगा। ये पट्टी खोलना है आपको, ये जो स्क्रू दिख रहे ना आपको, ये डी पी आई पोर्ट के और वीजे के, तो ये पूरे स्क्रू आपको खोल डालना है। स्क्रू पूरे के पूरे स्क्रू खोल डालना है आपको। ये जितने भी स्क्रू दिख रहे हैं आपके ग्राफिक्स कार्ड के, तो ये ग्राफिक्स कार्ड के स्क्रू पूरे के पूरे खोल डालना है और उसके बाद में आपको लगाना है इसको वो छोटी वाली प्लेट जो उसके साथ आए वाली है। ओके, वो लगाना है और उसके बाद में आपका इंस्टॉलेशन कम्प्लीट हो जाएंगे। फिर आपको सीधा आपके स्क्रीन पर चले जाना है। आपको स्क्रीन पे का प्रोसेस बताता हूँ मैं। आप तो आप प्रोसेस आता है गाइस हमारा ग्राफिक्स कार्ड के ड्राइवर इंस्टॉल करने का। तो हम सीधा चले जाएंगे पहले क्रोम ब्राउज़र पे। क्रोम ब्राउज़र पे जैसे ही जाते हैं हम तो हमको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखने वाला है। तो आपको यहाँ पे टाइप कर देना है ज़ेब्रोनिक GT610 ग्राफिक्स ड्राइवर। तो आपको ये टाइप करने के बाद इंटर कर लेना है। इंटर करने के बाद सॉरी यार मेरे इसमें नेट कनेक्ट नहीं है, तो मैं पहले नेट कनेक्ट कर लूँगा मेरे इसके अंदर। आपको भी नेट कनेक्ट कर लेना है पहले। तो जैसे कि मैं नेट कनेक्ट कर लिया उस अपने सिस्टम के अंदर, तो ये देख सकते हो मेरा नेट कनेक्ट हुआ हो गया मैं नेट कनेक्ट, और ये ड्राइवर इंस्टॉल होने का ऑप्शन आ चुका है। और यहाँ पे आप ये डिटेल के वजह आप क्या करेंगे, ड्राइवर डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। ओके, तो जैसे ही आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो फर्स्ट वाली वेबसाइट मिल जाती है आपको और सेकंड वाली। तो मैं सेकंड वाली पे क्लिक करता हूँ एक बार, तो ये देखिए मुझे कुछ ऐसा इंटरफेस दिखता है। और इसके बाद में मैं नीचे जाऊँगा तो ये मुझे कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। तो यानी ये यहाँ पे ड्राइवर का ऑप्शन नहीं मिला है शायद हमको, तो फिर भी मैं एक बार ऊपर जाके देखता हूँ। ओके, तो नहीं है गाइस यहाँ पे। तो अब हम दूसरे वेबसाइट पे देखते हैं, तो ये ब्लॉग है एक, तो इस पर मुझे ड्राइवर मिल जाते। तो एक हम ब्लॉग आपको ढूंढते रहना है। तो ये देखिए मेरे को ड्राइवर मिल चुके इसके अभी के, और ये 2021 के 18 के। तो ये वाले मैं लेटेस्ट ड्राइवर इसके डाउनलोड कर लूँगा। मेगा में जैसे ही जाऊँगा तो ये ड्राइवर इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएंगे हमारे, डाउनलोड का ऑप्शन आएगा। और ये देख सकते हो GeForce के ड्राइवर इंस्टॉल हो चुके हमारे, डाउनलोड हो चुके। तो गाइस ये वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए बाय बाय। तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबा देना। तो ड्राइवर डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुके। ओके, तो ड्राइवर इंस्टॉल होना स्टार्ट हो चुके थे हमारे, डाउनलोड हो गए, फिर आपको इंस्टॉल कर लेना है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, और इसके बाद में एक वीडियो आएंगी जिसमें मैं उसका पूरा रिव्यू बताऊंगा आपको, तो वो भी वीडियो ज़रूर देखना।